Today's topic is equation of motion. There are three equations of motion. Number one, V is equal to U plus AT. Number two, S is equal to UT plus half AT square. Number three, yes, V square is equal to U square plus 2AS. And I think you know, for these three equations, I can take a case. Suppose this is an object. This object will start with the speed u, that will be called initial speed. And this is origin, you can say. So the starting is from origin and it moved to a point A after time t. So that is taken in your equation. T is what? The time. Okay, now if it will reach here, it will acquire a velocity v or speed v. मतलब वो चलता है, शुरुआत करता है u से, और जब उसकी यात्रा खत्म होने को होती है तब भी उसकी स्पीड है, और उसकी स्पीड कितनी है? v है. और इसे a acceleration से accelerate किया गया है, means इसकी स्पीड को बढ़ाने की व्यवस्था करी गई है, और पर यूनिट सेकंड जितनी स्पीड बढ़ती है वो एक्सेलरेशन होगा, और एक्सेलरेशन कितना है? ए है. इस दौरान वो जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है ऑब्जेक्ट, वो डिस्टेंस यस है. सो ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हैं, और ये उसका एक टिपिकल ग्राफिकल या टिपिकल ज्योमेट्रिकल एक्सप्रेशन, ठीक है. अब हम तीनों ही इक्वेशंस को डेरिवेट करेंगे, एंड डेरिवेशन विद द हेल्प ऑफ कैलकुलस. ओके, सो आई एम गोइंग टू राइट डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन यूजिंग कैलकुलस. You know, in the first equation there is V is equal to U plus AT. Okay, if I am taking A, we can write, we know that A is equal to, do you know what will be the formula for A? A is equal to delta U, delta V upon delta T. और V2 माइनस V1 अपॉन T2 माइनस T1. अगर आपका ये जो डेल्टा T है वो काफ़ी छोटा हो तो फिर वो डिफरेंशिएशन फॉर्मेट में हो जाएगा, और क्या बनेगा? A इज इक्वल टू dV/dt. ये हमें पता है, हम पहले से भी जानते हैं, जब हम पढ़ रहे थे एक्सेलरेशन, कल ही तो पढ़ा था, कल या परसों. A इज इक्वल टू, हमने dV/dt लिखा हुआ था. यहाँ से फिर हम लिख सकते हैं, और dv इज इक्वल टू व्हाट विल बी a इंटू dt. और a यानी एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, बदलेगा नहीं, ठीक है. अब आप अगर इधर को इंटीग्रेट करते हैं तो इधर भी इंटीग्रेट करना होगा, a dt. Now, if you are integrating dv, you have to integrate right hand side also. और जब भी integration होता है, मैंने आपको बोला उसकी limits होती है, lower limit, upper limit, lower limit, upper limit. When you are going in left hand, you are integrating what?
the speed, the velocity. And from where this velocity starts, see here, from where this velocity starts, or from what value of the velocity the motion is starting, it is u. So here will be u. And at what value of the velocity the motion ends? V. V. So I can say that V will have lower limit u and the upper limit v. Now we come on time. जब मैंने ओरिजिन पे लिया है तो मेरा टाइम, मैंने घड़ी देखना ही शुरू किया होगा, एंड दैट्स वाई दैट टाइम इज टेकन टू बी जीरो. और जब यात्रा खत्म हो गई तब कितना टाइम था? टी. इसका मतलब ये कहाँ से कहाँ तक डिफ्रेंशिएट होगा, इंटीग्रेट होगा? जीरो से टी. अब कल के इंटीग्रेशन रूल्स के बारे में आप जानें. कल हमने कहा था कि अगर आपका इंटीग्रेशन डी के बिल्कुल सामने होगा वो उसको ख़त्म कर देगा. कल यही बात हुई थी, ठीक है. और जो भी लिमिट्स होती है वो वैल्यू को एक ब्रैकेट में बंद करके राइट हैंड साइड पे लगा दिया जाता है और फिर अपर माइनस लोअर किया जाता है, ठीक है. तो अभी इसकी वैल्यू क्या होगी, इंटीग्रेशन डी वी की वैल्यू क्या होगी? वी होगी. और जो आपका लिमिट है वो यहाँ लग जाएगा. डन. नाउ ए विल बी वॉट? कॉन्स्टेंट, आई हैव टोल्ड यू. देन इट विल बी जीरो टू टी एंड देन डी टी. क्लियर. नाउ अगेन यू नो इंटीग्रेशन ऑफ डी टी विल बी टी. सो दिस विल बी वी from u to v is equal to a, and here will be t from where to where? 0 to t. And this implies that अब आपको क्या करना है, upper limit minus lower limit. So put upper limit in the place of v. तो v की जगह v ही रखेंगे, फिर minus लगाएंगे और फिर lower limit रखेंगे. तो v की जगह पे क्या रखेंगे आप? u इज इक्वल टू a. फर्स्ट टाइम यू हैव टू पुट t इन द प्लेस ऑफ t, देन यू हैव टू पुट माइनस एंड देन अगेन जीरो इन द प्लेस ऑफ t. सो इट विल बी व्हाट? v माइनस u इज इक्वल टू at. दिस इंप्लाई दैट व्हाट? v इज इक्वल टू u प्लस at. So proved. So how many of you have got this one? If this will be asked in your paper, you can solve it or not. How many of you can solve? Less people are here, है ना? तो मेहनत करिए. कितने लोगों की समझ में नहीं आया? कहाँ नहीं समझ में आया मुझे बताइएगा. ये वाला जब वैल्यूज रखी गई. देखिए यहाँ पे जो चीज होती है इन द प्लेस ऑफ बी जो होता है, ये वाला, ये दिख रहा है, इस जगह पे जो इन द प्लेस ऑफ बी होता है, पहले हम उसकी जगह पे अपर लिमिट रखते हैं. तो वी की जगह पे वी रखेंगे, वी ही आएगा. फिर माइनस लगाते हैं और फिर लोअर लिमिट रखते हैं. तो लोअर लिमिट क्या है यहाँ पे? यू. तो वी की जगह पे क्या रखेंगे? U. इसलिए क्या बनेगा आपका? V माइनस U, ठीक है. और ऐसे ही इधर कर लीजिए, एक बार T की जगह T रखेंगे, फिर माइनस लगाएंगे और एक बार T की जगह पे क्या रखेंगे? जीरो. तो क्या आ जाएगा? T माइनस जीरो. इसलिए V माइनस U इज इक्वल टू ए टी, एंड दैट्स वाई V इज इक्वल टू U प्लस ए टी. हाँ पीछे, हाँ नहीं वो तो मैंने अभी समझाने के लिए लगा. और किसी का कोई सवाल? ठीक है आगे चलते हैं. करिए जल्दी करिए. नाउ नेक्स्ट सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन.
And for second equation of motion, we have to take, we know that V is equal to ds upon dt. I think you know. Speed is equal to rate of change of displacement or distance. So what will happen from here? Ds is equal to V into dt. What is V? Any speed. Not final. Any speed. Okay? Any speed at time t. But V is equal to what? U plus AT. Say this is equation 1 and this is equation 2. So I can place the value of V from equation 2 in equation 1. What will be? Ds is equal to, in the place of V, what can I write? U plus AT and then DT. Now I'm going to expand it. It will be U DT plus AT DT. Okay? Now, I am telling you at that time, if you want to calculate, yes, you have to integrate. So integrating, both the sides, what can you have? Integration of ds is equal to, if you put integration on right side, there are two parts of right hand, and that's why both will have integration. So the first one will be u plus dt, and then u into dt and at dt. Now you have to decide your lower limit and upper limit. So S means what? Distance. Beginning distance will be, when you are here, what distance you have traveled? Nothing. But when you are in final stage, your distance will be S. So what can you write here? You can write from 0 to S. Now, here is dt. So we have to place the limits of time, and the time limit is from 0 to t. Again here the time limit should be taken, and that's why it is again 0 up to t. Okay? Now, I can write this is yes. And the limit should be placed on right side, is equal to initial speed does not depend on time, it's a constant value. वो पहले से बता दिया जाता है, इतनी speed से शुरू हुआ, मतलब वो constant है. तो u should be taken out, okay? And बचेगा क्या आपके पास? 0 to t dt. A should be taken out, क्योंकि ए भी कांस्टेंट है, एंड देन टी डी टी. ये हो जाएगा यस माइनस जीरो, ठीक है ना. यू ये कितना बनेगा? टी ना, और कहां से कहां तक? जीरो से टी प्लस ए. टी डी टी का कितना? टी पावर 1 माना जाएगा, इंटीग्रेशन में 1 पावर ही रेज्ड, और जितना नई पावर आती है उसका डिवीजन होता है. एक्स पावर एन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स पावर एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई एन प्लस 1. व्हाट इज एन हियर? 1. सो कितना होगा ये? टी पावर 1 प्लस 1 यानी 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1 यानी 2 फ्रॉम 0 अप टू टी. Now, it should be yes here, it should be u bracketed t minus 0 plus
a and it should be here t square by 2 minus 0, and that's why this will be s is equal to ut plus half at square. This is the second equation of motion. Now third equation of motion. And this is the difficult one, derivation. Get the idea. How can we solve it? We know that A is equal to dv by dt. We know it. Sabko pata hai? A is equal to dv by dt. Now we are going to do some jugaad. Okay? What is that jugaad? I am going to do dv upon ds. मैंने dt को हटा के ds किया, तो मुझे ds का मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा क्योंकि मैंने ये अपनी तरफ से डिवाइड किया, तो मुझे इक्वेशन को अनबैलेंस्ड रखने के लिए ds का क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, और जो dt था वो तो लिखना ही पड़ेगा. नाउ डू यू थिंक what is the value of ds by dt? What will it be? It will be v. It will be v. So I can write it as a is equal to v dv by ds. I can write. Now this one is what? V and then dv by ds. So here I can write ads is equal to vdv. You can write it. Ads ka integration is equal to vdv ka integration. Now you have to take lower limit and upper limit. What is the lower limit of yes? 0. Upper limit? Yes. V ka lower limit? Not 0 to V. U to V. So it should be A should be out. And DS ka kya banega? Yes. From 0 to yes is equal to V DV mein V की पावर 1 मानी जाएगी, तो कितना आ जाएगा? V पावर 2 by 2 and from U to V. Now how can you solve it? This will be A into S minus 0 is equal to, here will be what? V square by 2 minus u square by 2. Okay, at first you have to place v in place of v, then you have to put minus and then u in the place of v. By 2 kahan se aaya? U square by 2. Okay, what is the value you have? Okay, so what can you write from here? V square minus u square upon 2. You can take one denominator. So AS is equal to V square minus u square by 2. So V square minus u square is equal to 2AS. This is third equation. Or one step you can go ahead and you will get V square is equal to u square plus 2as. Done.